अवैध शराब के कारोबार में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 30 पेटियों में 11 बॉटल एवं 340 पाव अंग्रेजी तथा 1050 पाव देसी शराब की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए की है। सूचना के आधार पर ग्राम बलवारा में नीमखेड़ा हार के पास सरदार के खेत में बनी टपरिया के सामने अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब रखे एक व्यक्ति बैठा है, जो काले रंग की टी शर्ट पहना है। सूचना पर क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां टपरिया के पास मुखबिर के बताए हुलिये का व्यक्ति बैठा दिखा, जिसके पास शराब की पेटियां रखी हुई थी, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा है। जिसने अपना नाम पता पूछने पर महेंद्र पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बलवारा बताया है, जो आरोपी के कब्जे से 30 पेटियों शराब कीमती 1,50,000 रुपए जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त शराब कहां से और कैसे प्राप्त किया के संबंध में पूछताछ जारी है। जबलपुर ब्यूरो रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा लगातार सभी थाना प्रभारियों को विशेष पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी संदर्भ में थाना बरेला में एक सूचना मिली कि नीमखेड़ा के पास कोई व्यक्ति अवैध शराब का स्टॉक करके रखा है। तत्काल थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीम जब मौके पर पहुंची, तो वहां पर महेंद्र पटेल नाम का व्यक्ति मिला। उसके कब्जे से करीब 21 पेटी में रखे 1050 पाव देसी शराब और 5 पेटी में रखे अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जो लगभग 1.5 लाख रुपये कीमती का है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। लोकसभा चुनाव में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारी लगातार और जो हमारी सेक्टर पुलिस मोबाइलें हैं वो चप्पे चप्पे के पर नज़र रखे हुए हैं, और जो भी सूचना आती है, जो हमारी मुखबिरी है, उसके तहत ये कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे।